उधर देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देवघर पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 23 मोबाइल, 35 सिम कार्ड, 6 एटीएम, 5 पासबुक समेत 22,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। देवघर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से ये जानकारी साझा की। अगेंस्ट में देवघर पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत मार्गो मुंडा, सारठ, देवीपुर, पालोजोरी, सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र में लगातार छापामारी की गई और इस छापामारी के कारण 13 साइबर क्रिमिनल देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 23 मोबाइल, 35 सिम, 6 एटीएम, 5 पासबुक और 22,000 नकद बरामद हुआ है।